हम लोग वहां गलत पहुंच गए थे और यहाँ पे हम सही पहुंच गए। तो मेन द्वार ये है मंदिर का, दिखाते हैं हम आपको तुलसीदास की गुफा, क्योंकि वो रास्ता तो हमें बंद मिला था। अब जो गेट ये है मेन गेट, यहाँ से जाता तुलसीदास की गुफा, वहां पे एक पंडित जी हैं, उनसे पूछते हैं गुफा के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं, ये है रास्ता यहाँ का, आसपास पूरे मंदिर बने हुए। ये मंदिर भी दिख रहा था वहां से, ये मंदिर हम समझ नहीं पाए थे कि तुलसीदास की गुफा का रास्ता यही है। मंदिर के ये जीने हैं, अभी हम यहाँ से जाते हैं। लगता है बच्चे भी ऊपर खेल रहे हैं मंदिर के ऊपर, तो सेम एरिया है यहाँ पे भी। यहाँ से हम फर्स्ट गेट पे आए हैं, तो मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। मंदिर बना हुआ है, इस इलाके में भी मंदिर बने हुए हैं। मनसापुर माता जी का मंदिर है, और ये मंदिर भी कौन सा, ये मनसापुर हनुमान जी का मंदिर है। आपको अभी कवर कराएंगे। तो यहाँ पे एक टंकी बनी हुई है, नीचे पानी जाता है सप्लाई के लिए। तो ये रास्ता हम तय करते हैं, ये जाता है गुफा की ओर। ये बना हुआ है हवन कुंड, यानी कि नवरात्रियों में हवन किया जाता है यहाँ पर, है ना। तो पंडित जी आप बताइए इस मंदिर के बारे में, ये कब कब का बना हुआ है, कब निर्माण हुआ था इस मंदिर का? सत्तर अट्ठाईस साल हो गए हैं। तो मंदिर मनसापुर माता जी का मंदिर है, राम जानकी दरबार है। तो आइए हम अंदर देखते हैं, ये बना हुआ है राम जानकी मंदिर, शिव जी का परिवार भी है। और आप ये मूर्ति देख रहे हो, गुफा जाने से पहले हमें एक टीन का रास्ता दिखा हुआ है, इसके अंदर हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो वही चट्टान से दिख रहा हुआ है। अरे यहाँ पे तो लगता है एक कुआं है, क्योंकि कुआं है, दलदल हो गया है लगता है मेरे को, कोई भी गया तो खत्म अंदर, है ना। तो देखो यार सही कवर किया है, ये कुंड है। जब काई वही लगी हुई है इसमें, तो अभी साफ नहीं होता, बरसात का है मतलब। अच्छा इधर से गिरता है ऊपर से, हाँ हाँ झरना चलता है। अच्छा पूरे एरिया से, हाँ अच्छा मतलब पानी से झरना बहता है पूरा इलाके का। अच्छा एक झरने दो झरने तीन चार पाँच झरना बहुत तो अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। अच्छा तो बरसात में तो काफी मजा आया था होगा यहाँ पर, बहुत मजा आया। झरनों के निशान ही तो दिख रहे होंगे, झरनों के निशान, झरनों के निशान तो वही वो दिख रहे हैं। हाँ ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर तक पूरा भर जाता है, ऊपर निकलता है। अच्छा ऊपर से निकल के नीचे चले आता है। अच्छा तो आइए देखते हैं, नहाते नहीं है, बहुत गहरा है। तो मतलब यहाँ से पूरा फुल हो जाता है पानी, ये दीवार पार कर अंदर नीचे की ओर जाता है, वहाँ से निकल जाता है। अच्छा झरने चलते हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पानी यहाँ से जाता है, मतलब ये पूरी दीवार फांद कर पानी आता है और यहाँ से निकल जाता है। जंगल एरिया है पूरा ये। तो गुफा में चलते हैं, बहुत इंतजार किया है इस गुफा का, अंदर मंदिर का। तो ये रास्ता जाता है गुफा की ओर, चलो चलते हैं जी। यहाँ से हम लोग जाने के बाद में हमें लग रहा है ना शायद वो गुफा है, पर वो गुफा नहीं है, यहाँ से गेट है उसका। तो आइए देखते हैं, चलते हैं, है ना। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग, आराम से जाइएगा। अगर आप ग्वालियर आते हो लक्ष्मण तलैया पे, तो आपको तुलसीदास की गुफा देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़े ये जीने हैं। तो ये है द्वार, जो छोटा सा द्वार है, तो हम उसके अंदर भी जाते हैं, चलो चलते हैं इस गुफा के अंदर। ये करीबन 3 फीट ऊंच इसकी चौड़ाई है और करीबन 30 फीट लंबी है। तो लिखा है सिद्धेश्वराय नमः, और अंधेरा मिलने वाला है। पंडित जी हैं, तो हम गुफा में बैठ के जाना पड़ता है। जैसे कि अभी एक सामने भैया चल रहे हैं हमारे। अच्छा अच्छा ये मंदिर है, जय श्री राम पंडित जी। तो ये मंदिर बना हुआ है, शिव जी का परिवार है पूरा।
तो आप ये मंदिर देख रहे हो जी। तो यहाँ पे मतलब हवा के लिए ये जाली रोशन दिया हुआ है ऊपर। तो मुझे आप ये बताइए, ये जो तुलसीदास की गुफा है, इसका नाम तुलसीदास की गुफा क्यों दिया गया था? क्या है कि जो पुराने बाबा संत रहे थे ना, उनके अनुसार तो ये कहा कि एक बार तुलसीदास जी यहाँ से गुजरे थे, एक रात विश्राम किया। एक रात मतलब कई वर्षों तक नहीं रहे यहाँ पर? नहीं, एक रात रहे थे यहाँ पर। ऐसा मतलब संतों, पुराने जो संत यहाँ रहे ना, उनका कहना है। तो उनके जमाने की गुफा है? आप पुराने संत लोग थे, तो स्टेट के टाइम के पहले की गुफा है। मतलब कई साल पुरानी गुफा है, मतलब हजारों साल के लो उस गुफा को। इस मतलब अपने ग्वाल चित्रकूट से यहाँ पे आए थे जो तुलसीदास जी हैं जो। अब इसके मामले में तो पूरी जानकारी अपन को नहीं, परंतु जो पुराने संत लोग कहते थे ना, उस हिसाब से अपन बता रहे। अच्छा, पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, कुछ नहीं था? नहीं, पहले तो जंगल था, नीचे भी शंकर जी का था, राम जानकी की स्थापना, हनुमान जी की, मैया की, जी सब बात। ये मंदिर कब पुराना हुआ है, कितना पुराना मंदिर है ये? अब जी तो स्टेट टाइम से उससे पहले का नीचे गुफा बनी होगी, इसकी कोई जानकारी तो नहीं। अच्छा, ये मेन दरवाजा है गुफा का जो हम लोग आए हैं अभी, और हम लोग वो तलैया पीछे पहुंच गए थे, वहाँ का भी मेन द्वार है उसके पीछे? तुलसीदास गुफा का नाम से जी, तुलसीदास की गुफा का नाम से। और एक गुफा पीछे वो का पीछे कहाँ तो ये पूरा जो परिवार है शिव जी का परिवार है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जैसे कि यहाँ क्या था कि अब हम तो सन 86 से करीब 82 से आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हमारे ताऊ थे, उनके नीचे समाधि है, उनका नाम है कालीचरण दास बाबा। यहाँ पे 10-15 साल रहे इस गुफा में। अच्छा, उन्हीं के उसके ही मार्गदर्शन में अब जी काम चल रहा है। अच्छा, मैंने ये सुना है इस गुफा के अंदर ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, मौसम टेम्परेचर अपने आप ही सही रहता है। आप अगर सर्दियों में आओगे तो अंदर आके ऐसा महसूस होगा, अंदर के गर्मी सब मतलब टेम्परेचर बराबर, माइनस जैसे कि बराबर रहता है, इक्वल रहता है टेम्परेचर। अच्छा, दिन भर अपन सुबह शाम पूजा होती है, उनका भोग भी लगाया जाता है? अभी भोग लग रहा है ना जी, भोग लगाया अभी। अच्छा, भोग लगाया है आपने अभी सुबह शाम पूजा है ना? शाम दिल्ली की आरती पूजा सब। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये गुफा का आकार, जैसे कि यहाँ पे आप लोग खड़े होकर तो आएंगे, बैठ के यहाँ पे आना पड़ता है, झुक कर आना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आने के बाद में ये मंदिर मिलेगा आपको, माँ कनकेश्वरी देवी, रावतपुरा सरकार, सब सब मंदिर बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे सब लोग आए थे? माँ कनकेश्वरी भी आई थी, दो बार हुई थी वो तो, जब पता करने आई थी। अच्छा, इस मंदिर के बारे में किसी को पता नहीं है इतना, मतलब चैनल पे भी है नहीं है ज्यादा जानकारी किसी को है नहीं है। वो तो मैंने एक बार गूगल पे सर्च करा था गुफा टाइप का, तो पता चला अपने नजदीकी लक्ष्मण तलैया में ये मंदिर बना हुआ है शिव जी का, तुलसीदास की गुफा। शहर में क्या है कि कुछ ही लोगों को, पुराने लोगों को जानकारी है, बाकी क्या है कि किसी को नहीं। अब जो दर्शन करने आता है वो तो घर आती है। अच्छा, जो लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, तमाम नीचे से आते हैं, वहाँ से आते हैं। बाकी शिवरात्रि में तो काफी भीड़ रहती है। अच्छा, छोटे जाते हैं वो लोग आते हैं, शिवरात्रि को भीड़ रहती है यहाँ पे शिवरात्रि। अच्छा, एक एक करके गुफा के अंदर आते होंगे लोग बाग, है ना? तो ठीक है पंडित जी, जय श्री राम। जैसे कि आपने जो गुफा देख ली है ना, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ का जो एरिया है ना, जो गेट है, यहाँ पे अपन को झुक के निकलना पड़ता है। जैसे कि अभी नवीन भाई जा रहे हैं, माँ कनकेश्वरी ने कहा था हाँ, इस जो पहले दरवाजे इसलिए ऐसे ही होते थे कि झुक के जाए आदमी। हाँ, मंदिर का सिद्धांत यही होता है, इंसान अपना सर झुकाए। सर जो दरवाजे बनते थे ना वो मंदिरों के और इनके जैसे इसलिए बनते थे कि वो झुक के जाए नीचे। बड़ा से बड़ा आदमी जितना भी आए ना, हाँ, वो झुक के जाए। जैसे कि अभी हम लोग जा ही रहे हैं, पंडित जी का भी सिद्धांत में सही है, जैसे कि झुक के जाना पड़ता है।
और लाइट की व्यवस्था भी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो। अच्छा ये क्या है पंडित जी, ये कोई ऐसा पानी आता है कुंड का? क्या है कि जैसे बेल पत्री वगैरह या कुछ ऐसा है तो उसके उसमें डाल देते हैं, खराब नहीं करते उसको। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि आपने देख लिया है ये गेट मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है, और यहाँ से क्या आपको पूरा एरिया मिलता है देखने के लिए, तलैया का काफ़ी खूबसूरत है। ये कुंड मैंने दिखा दिया, ये वाला कुंड आपको ऊपर से देखने को मिलेगा, जहाँ से पूरा आपको ग्वालियर क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो आपने देख लिया होगा हम लोग अभी बाहर आ गए हैं तुलसीदास की गुफा से, हम लोग गलत पहुंच गए थे पहले, अब सही रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि वो मंदिर माता जी का था, वो गुफा है वो तुलसीदास की नहीं थी, वो बंद कर दी गई है, मतलब लंबी तो काफ़ी गुफा है उस तरफ से बंद कर दी गई है। और यहाँ पे बताया गया है पंडित जी ने, क्योंकि एक दिन उन्होंने निवास किया था यहाँ पे तुलसीदास ने ग्वालियर क्षेत्र यानी लक्ष्मण तलैया पर। और चलते हैं आगे, बच्चे को प्रसाद बट रहा है तो देखते हैं। हनुमान जी का मंदिर है ये, भैरव बाबा का है, भैरव बाबा का मंदिर है। अब इनका भोग लग रहा है, और ये बच्चे बैठे हुए हैं प्रसाद के लिए बैठे हो। अच्छा अपनी अपना ये टिफिन वगैरह कटोरी लेके आ गए हैं प्रसाद के लिए, और कन्याएं बैठी हुई हैं। रोज मिलता है प्रसाद आपको यहाँ पर? अच्छा तो बॉक्स लेके आ गए अपने अपने, प्रसाद बट रहा है पंडित जी, प्रसाद बांट रहे हैं, सबों को बांटते हैं। ये देखिए इधर आओ छोटू, इधर बैठो गुड़िया, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर बैठो आप भी बैठो, उधर सबों को मिलना है ना। ये बिस्किट आप रोज बांटते हो? रोज? अच्छा अच्छा, प्रसाद रोज बांटता है, खिचड़ी? अच्छा अच्छा अच्छा, ये जैसे कि आप देख रहे हो अभी जलेबी बट रही हैं, उसके बाद में चावल बटेंगे, और ये हलवा का फीस है जो हलवा बटेगा। यहाँ पे बच्चों के लिए भोजन है। लड़ो नहीं, हो गया तुम्हारा, जाते जा रहे हैं जाते जाएंगे। ऐसा आप लोग देख सकते हो, ये हमें प्रसाद मिल गया है मंदिर का। हम लोग आए थे तुलसीदास की गुफा, यहाँ पर सबों को बांटा जाता है प्रसाद। तो नवीन भाई आज प्रसाद मिल गया है भैरव बाबा का। अच्छा देखिए भैरव बाबा का प्रसाद इनको डाला जाता है। तो चलते हैं बाहर की ओर दोस्तों, यहाँ से बहुत मज़ा आया, लगता ही नहीं है हम लोग को कि ग्वालियर शहर में हम लोग घूम रहे हो, क्योंकि गुफा जो थी ना बहुत शानदार थी। ये मना हुआ है मनसापुर माता का मंदिर यहाँ पे, और पीछे था मनसापुर हनुमान जी का मंदिर, अभी तो पट लग गए हैं। और ये है मंदिर का नाम ही दिया क्या नाम नहीं, मंदिर नहीं है, समाधि, समाधि यहाँ बाबा की समाधि कह रहे थे ना किसी की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तुलसीदास की गुफा काफ़ी अमेजिंग है, आप लोग आइए यहाँ पे देखिए गुफा के बारे में, और यहाँ के आसपास के नज़ारे देखिए काफ़ी सुंदर है। ये यहाँ का एड्रेस मैं भैया बता देंगे आपको, एड्रेस यहाँ का ये रामपुरी मोहल्ला लक्ष्मण तलैया, रामपुरी मोहल्ला लक्ष्मण तलैया, ये तलैया के कुछ करीब थोड़ी दूरी है। तो यहाँ पे आप आ सकते हो और मंदिर के दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे पंडित जी ने बताया कि शिवरात्रि को यहाँ पे भीड़ लगती है, कई लोग आते हैं पर मंदिर की गुफा नहीं देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि एक बार आइए और यहाँ का नज़ारा और गुफा के बारे में जानिए। तुलसीदास की गुफा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, अंदर मैंने आपको नया दिखाया है, क्योंकि मंदिर का सिद्धांत होता है कि झुक के जाया जाए, इस प्रकार गुफा बनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, मिलते हैं ऐसे ही अगले ब्लॉग में, तब के लिए जय हिंद जय भारत और प्रीत, बाय बाय।